देते चले, 2007 वाला, 2000 दूसरा कौन सा था, वो वाले गुजर चुके थे, तो नौमई भी शायद नहीं होती। That's right. अगला पढ़ते हैं। But this is now 11th. To consider whether all the review petitions and applications filed in SMC number 7 of 2017 before the Supreme Court of Pakistan were coincidental or were filed pursuant to instructions from some external elements. The perusal of the statements of the Director General IB, Chairman Pembra and Secretary Defense already annexed at 30, 36 and 47 suggest that it was just coincidental that reviews were filed and withdrawn by the departments, each having their own reasons. माशाल्लाह, अगली दफा पता नहीं ये पुलिस में कैसे रह करके वो हमने कहेंगे ना जी मैंने पुलिस उससे पूछा तुमने चोरी तो नहीं की, उसने कहा मैंने नहीं की। भाई तुमने ये तो नहीं किया, नहीं नहीं उसने कह दिया मैंने नहीं किया, बस काफी है उनके लिए। अच्छा वो प्रीव्यू पिटिशंस कितनी थी, उनमें से किसी से पूछा? उन्होंने सिर्फ तीन लोगों से पूछा, डीजी आईबी चेयरमैन पेमरा एंड सेक्रेटरी डिफेंस। अगर पूछना ही था तो सबसे पूछते। अच्छा फिर आपने फिर उनकी बात उन्हें कह दिया, वो क्या कहेंगे? हाँ नहीं हमने प्लानिंग की थी, थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लेते। मतलब ये सीनियर लेवल ऑफ पुलिसमैन ऑफ द कंट्री, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, दैट्स व्हाट एन इंक्वायरी कमीशन इज अबाउट। इनके स्टेटमेंट जरा देखें। हेलो माय लॉर्ड, The Director General IB statement is at page, and if my lord may kindly turn to volume 6. जी जी ये किसका है पेज? सर ये वॉल्यूम 6 पेज 1061। नहीं सर ये 1063 होगा, द प्रेजेंट डीजीआईबी स्टेटमेंट 1063, दिस इज एनएक्स 30। And paragraph number 6, this is where the withdrawal of review petition is dealt with, sir. And page sir 1063 towards the bottom, as regards withdrawal of review petition filed by IB, it is stated that, and then following page 1064, Roman numeral 3, the matter came to fore when the case was fixed for hearing by the Apex Court for 28 September 2023. Subsequently, the undersigned called a meeting of concerned IB officers to examine matter at our end. Critical analysis of the review petition was taken in the meeting, and it was underscored that Order 26, Rule 1 of the Supreme Court Rules 1980 states that the court may review its judgment or order in a civil proceeding on grounds similar to those mentioned in Order 47, Rule 1 of the Code of Civil Procedure. अब वो हमें कानून सिखा रहे हैं जी, दिस रीजन मीटिंग के मिनट्स कहाँ हैं? देयर आर नो मिनट्स सर, देयर आर नो मिनट्स। पहला सवाल कोई हाफ कोई आईओ भी पूछता ना कि जी मिनट दिखा दो मीटिंग के, दिखाओ कहाँ हैं। उन्होंने कहा जी कानून पढ़वा देते हैं इनको। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब क्या खूबसूरत इत्तेफाक था, कितने रिव्यू पिटिशन फाइल हुए, 9 या 11? जी हाँ सर, आई थिंक वो कह रहे खूबसूरत इत्तेफाक था। मतलब
इसको कोई नहीं कर रहा था, कंडक्टर होते हैं ना ऑर्केस्ट्रा के, तो कोई कंडक्ट नहीं कर रहे थे, खूबसूरत इत्तेफाक था। इधर उन्होंने डेफिनेट फाइंडिंग दे दी, किस बेसिस पे? जी हमने उनसे पूछा, भाई इत्तेफाक था या आपको कोई बता रहा था? जी हमने तो अपनी अकल से किया, खूबसूरत इत्तेफाक था। पता नहीं किसी और केस में इतना खूबसूरत इत्तेफाक नहीं होता है कि 9-15 रिव्यू पिटिशन आ जाएं। जरा देखिए कितने खूबसूरत इत्तेफाक था। अच्छा भाई दिखा दें, आपने किधर फैसला किया? ये मिनट्स हैं, दिखाओ। वो कुछ नहीं, मान ली उन्होंने उनकी बात। भाई सरकार हुकूमत चल रही है ना, ऐसी तो नहीं होगा ना, तो बगैर कागज के किसी ने तो कोई इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, एओआर इंगेज हुआ होगा, एएससी इंगेज हुआ होगा, उसकी फीस मुतमईन तयन हुई होगी या सरकार दे रही होगी, लॉ मिनिस्ट्री के पास गया होगा, किधर है सारा पेपर ट्रेल? हाँ जी हमने उनसे पूछ लिया, मान ली बात उनकी। ये क्या चीज है, ये कौन है? ये फुआद असदुल्ला खान, डीजीआईबी सर। अच्छा, ये नीचे सैयद अख्तर अली शाह चेयरमैन। जी ये चेयरमैन है कमीशन के। नहीं ये क्या, ये उन्होंने क्या उनका बयान रिकॉर्ड किया है, क्या किया है? मुझे समझ नहीं आ रही है क्या चीज, कागज का टुकड़ा है, स्टेटमेंट पता भी क्या लिख कर लाए थे वो घर से, या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया बिफोर देम? दिस डज नॉट इंडिकेट वेदर इट वाज बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ साइंड स्टेटमेंट बाय द डीजीआईबी। नाउ इट इज नॉट क्लियर वेदर इट वाज रिड्यूस्ड टू राइटिंग व्हाइल ही वाज आस्किंग कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो वो उसके तो दस्तखत नहीं होंगे, वो तो ज्यादा लिखेगा रेड ओवर एंड अफर्म्ड। जी ये तो लगता है घर से बना करके स्टेटमेंट लाए थे ना, ऊपर कहीं लिखा है कि भाई ये ओथ पे क्या है स्टेटमेंट? यस सर, इट डजंट इंडिकेट एनीवेयर। कहीं पूरी रिपोर्ट में कहीं लिखा है कि हमने इनको बुलाया है, हमने इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए? ये फॉलोइंग पेज पे सर कुछ क्वेश्चंस हैं, बट दैट अगेन वो क्वेश्चंस हैं और उसका भी वही जवाब ही आया सर। मतलब वो घर से उनको बोला कि इनके सवालों के जवाब लियो, ये ऐसी लग रहा है सर। पैरा वन से लगता है कि पैरा वन कोई इन चीफ की फॉर्म में है उनके जी, और पैरा टू में क्वेरीज पुट हुई है कमीशन की जानिब से पैरा टू में जी। टू का सब 1, 2, 3, 4 ये क्वेरीज हैं जो कमीशन ने पुट की हैं जी, और वन ऐसा लगता है कि इन चीफ है उनका शायद, इसी तरह की बात है सिर्फ। पेज 1066 पे फिर इनके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं वो भी लिख के दिए इन्होंने, चलिए ये जवाब आए। ये बता सकते हैं अटॉर्नी जनरल साहब के हु एडवाइज देम टू फाइल रिव्यू? सर जो टीओआर थी वो टीओआर के अंदर तो ये कहा गया था कि आप ये देखेंगे कि क्यों फाइल हुए और ये आईबी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, ये इन्होंने खुद से किया था रिव्यू फाइल या इनको कोई किसी ने कुछ डायरेक्शंस दी थी, इंस्ट्रक्शंस? वही तो असली सवाल था। सो जो फाइलिंग वाली हद तक है उसके ऊपर जो प्रीवियस डीजीआईबी हैं उनका तो जो 1061-1062 पे स्टेटमेंट है पेज 1061 वो तो अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ हमारा रिव्यू फाइल करना वाज नॉट करेक्ट जी। देन तो ये जो जो प्रीवियस डीजीआईबी हैं जो उस वक्त डीजीआईबी थे उनकी स्टेटमेंट है 1061-1062 इट्स अ कवर अप, व्हाट एल्स कैन वन से, कोइंसिडेंस और यू कैन से यू नो पॉसिबिलिटीज, कोइंसिडेंसेस डू हैपन, उसने इत्तेफाक देखिए नहीं है सर इसमें कुछ, रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। क्या इसको बनाए इसका, यानी क्यों टाइम जाया क्या मुल्क का? वो टीएलपी की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं? टीएलपी की तरफ से उन्हीं से पूछ लेते, शायद वही बता देते, इनकी मदद कर देते। मुझे कहीं रिपोर्ट में कहीं नजर नहीं आ रहा था कि टीएलपी की तरफ से किसी को बुलाया। नो हाँ नो वन सर, आखिर वो I don't see any वो एक इम्पोर्टेंट पार्टी है ना, उनका मौकिफ आना तो लाजमी था ना, वो बताते ये सारा गलत है ये हो सही है, वो जो भी कहना था उनको कहते। हाँ नहीं है सर, they all of the people who उनको उनसे उनको डर लग रहा था बुलाने से, मतलब भाई एक इंक्वायरी कर रहे हैं किसी के शख्स के मुताल्लिक, उसका उसको भी तो थोड़ा हक होना चाहिए कि उसमें पार्टिसिपेट करे, वो
शायद जिनावी करना पसंद फरमाए या अपना बयान रिकॉर्ड करना पसंद फरमाए। जी नहीं सर, नहीं बुलाया था। नहीं, कैसी रिपोर्ट इन इंक्वायरी रिपोर्ट की है? एंड पर्टिकुलरली छह सवाल तो आप पूछ भी सकते थे ना सवाल उनसे। एंड देन देयर वर पीपल जिनका स्पेसिफिक रेफरेंस है पेज 123 पे, जिनसे आर्म्स रिकवर हुआ है। अब वो जिनसे आर्म्स रिकवर हुए हैं उनके बारे में भी, एक बंदे के बारे में और उनके बारे में फेडरल गवर्नमेंट ने को कहा, ये गवर्नमेंट को कहा कि आप उनके जो लॉजिस्टिक्स और फाइनेंसेस हैं उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट कर लें। सो उनको भी नहीं बुलाया जिनका बारे में ये खबर आई थी कि इनके पास से ये आर्म्स रिकवर हुए हैं। एक्सिस एंड एक्सिस एंड आर्म्स रिकवर्ड। जी सो एनीवन हु कम्स विद अ प्रोटेस्ट रैली विद एन एक्स और अ वेपन His intent is clear. He is not peaceful demonstrator. That's right, sir. So serial number 11 to 16 were all these people जिनसे recover हुआ है based on the मतलब ये शरई तकाजों के मुताबिक है ना। अटॉर्नी जनरल साहब, कितनी अजीब और गरीब बात है, जिन लोगों ने उनको नाश्ता पहुंचाया या खाना पहुंचाया उनके तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, लेकिन हम टीएलपी वाले किसी आदमी को हम नहीं बुला रहे। जिस बेचारे ने दे या जो भी कहे उसने, अगर उनको किसी को वहाँ पे धरने वालों को खाना पहुँचाया है, नाश्ता पहुँचाया है, उसका तो हम जो है ना बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनका भी बयान तो उनका भी नहीं रिकॉर्ड हुआ है सर, उनका भी बस वो आईबी की रिपोर्ट्स हैं जो नाम दे दिया है ना, मोहम्मद नईम। नाम सबके हैं। हाँ, मोहम्मद नईम सीईओ सेवा फूड। जी नाम सबके हैं, बल्कि उनकी स्टेटमेंट्स भी हुई हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके स्टेटमेंट हुए हैं, नहीं हुए तो टीएलपी के नहीं हुए। जैसे कि खाना देना कोई जुर्म तो नहीं है उसकी हद तक कहा कि आगे आप इन्वेस्टिगेट। मतलब खाना किसी ने किसी को पिला दिया, खिला दिया या पानी पिला दिया, वो तो कोई जुर्म नहीं है ना। अभी रिकमेंडेशंस क्या दे रहे हैं हमें, फिर ये भी पढ़ लेते हैं। ये खत्म हो गए ना इनके टोटल टर्म्स ऑफ रेफरेंस? जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस खत्म हो गए सर। एंड एंड देन द कंक्लूजंस पेज 138 ऑनवर्ड्स। इधर से आप पढ़ना चाहते हैं फिर कंक्लूजन पेज 138 हां या 138 ऑनवर्ड्स ये कंक्लूजंस हैं सर। एंड रिकमेंडेशंस आर एट पेज 143। इसमें अब लेट मी इफ आई कैन जस्ट गो थ्रू, वी डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, बट वी कैन जस्ट एलिमिनेट व्हिच आई नीड नॉट रीड एंड देन आई कैन टर्न टू वेयर व्हिच। हाउ कैन दे गिव इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ पॉलिटिशियन like Mr. Rana Sanaullah? He's not a bureaucrat. He doesn't get paid out of the public exchequer. वो तो उनका काम है to monitor, to contain. वो सारा लग रहा है उनसे कुछ किसी को या तो उनसे कोई दुश्मनी हो गई है इनसे। Sir, page 145 and from paragraph 9 onwards. Paragraph? The 9 is also something is vague for paragraph 10. Again. Page? The page, sir, 145, the type written page 45 and the handwritten 146. So paragraph 10 and then 11 onwards, sir. 10 is a general statement the government made. Recommendation shuru hote hain page 143. Ji 143 se start hote hain. Now let's see what profound statements are made in these recommendations. Sir, the constitution of the Islamic Republic of Pakistan is the supreme law. Profound statement. Ji. Demarcating spheres of functions of functioning of all organs of the state and rights and duties of the state and citizens. All laws, rules and policies have to be in conformity with this basic document. Constitution being a social contract binds people with the state. Therefore, imperatives of the constitution should be followed for a public order in the country. Two. Now, this is a recommendation. Yeah. This is a statement that should be given to class 5 children, which is being filed in the Supreme Court.
Next three. Trichotomy of power is the basic feature of the constitution regulating the function.